दोस्तों, नमाज पढ़ रही इस खातून के साथ इन दो गैर मुस्लिम लड़कियों ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। यूरोप से आने वाली ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें ये मुस्लिम खातून एक पार्क में मौजूद होती है और नमाज का वक्त होने पर वही नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। मगर उसके नजदीक आई दो लड़कियों ने उसके साथ जो किया वो आप इस पूरी वीडियो में देखिए। दोस्तों, नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके जरिए इंसान दुनिया व आखिरत दोनों में फायदा हासिल कर सकता है। अल्लाह ने नमाज में ऐसा सुकून रखा है जो दुनिया के किसी और चीज में नहीं रखा। यही नमाज इंसान को खैर आफियत के साथ हश्र के मैदान तक ले जाती है और हर जगह इंसान के काम आती है। नमाज इंसान को हकीकत में इंसान बना देती है और इंसान को बुराइयों से रोकती है। जो लोग नमाज की अहमियत को समझते हैं वो हर हाल में नमाज की अदायगी की फिक्र करते हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक मुस्लिम खातून नमाज पढ़ने में मशगूल है। दो गैर मुस्लिम लड़कियां उसके नजदीक आती हैं। इन लड़कियों को ये मालूम नहीं था कि वो मुस्लिम खातून अपनी इबादत कर रही है। ये लड़कियां उसके नजदीक आकर उसका मजाक बनाती हैं और छेड़छाड़ करने की कोशिश करती हैं और इसका मजाक बनाते हुए इसकी वीडियो बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद एक और मुस्लिम खातून वहाँ आती है और इन दोनों को उसका मजाक बनाने से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि ये मुस्लिम है और नमाज पढ़ रही है। जैसे ही ये लड़की रुकू में जाती है तो उन्हें मालूम हो जाता है कि ये मुस्लिम लड़की इबादत कर रही है, तो उन्हें अपनी हरकत पर अफसोस होता है और अपनी हरकत पर शर्मिंदा नजर आती है। अच्छा इंसान तो वो है जो अपनी गलती पर नादिम होकर माफी मांग ले। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।